सदम। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हमारी वेबसाइट वेदायन पर सभी पुस्तकें निःशुल्क पीडीएफ में उपलब्ध हैं। ओम खम ब्रह्म। हमारी पुस्तक वेदायन में चारों वेदों के चुने हुए सूक्त संग्रहित किए गए हैं। एक एक शब्द की व्याकरण सम्मत प्रामाणिक व्याख्या हम लोगों ने की है। चारों वेदों का भाष्य रूप में हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि वेदायन में आए हुए मंत्रों को विस्तार पूर्वक व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वेदायन में भी प्रथम सूक्त ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही है। ऋग्वेद का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। उसका प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए, संभव हो तो हमारे साथ इस अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र अग्नि मंत्र बोलें। ॐ अग्निम् ईडे पुरोहितम् याज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं राप्नधातमम्। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। कह सकते हैं वैदिक धर्म संस्कृति का प्रवेश है। इस लिहाज से ये दीक्षा मंत्र है, प्रवेश मंत्र है। इसको इस रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये गायत्री है, छंद गायत्री है। गिन सकते हैं, पहले एक बार हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की है। अग्निम दो स्वर गिने जाते हैं, व्यंजन नहीं गिने जाते। जब गणना होती है वर्णिक छंदों में, संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, जब गजल के जो मीटर्स गिने जाते हैं वो केवल यही स्वर ही गिने जाते हैं। लघु गुरु की मात्राएं अलग होती हैं, लेकिन वो गिना एक जाएगा। अब निम दो, ईडे दो, चार, पुरो हितम चार, अग्निम ईडे पुरोहितम आठ, आठ आठ के तीन चरण 24 अक्षर की गायत्री बनेगी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, तीन दो पांच तीन आठ, होतारम रत्न धात्मम, होतारम तीन, रत्न पांच, धात्मम। तो आठ आठ के तीन चरण की ये गायत्री, ये गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का पहला मंत्र गायत्री मंत्र है। हमारे वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में ही हैं। कह सकते हैं वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री हैं। उसमें ये प्रथम मंत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम इस रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अग्निम माने अग्नि को। ये अग्नि क्या है? अग गतो धातु है। अग गतो धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति होगी। तो अग्नि का अर्थ हुआ गतिमान, प्रगतिशील। जो संसार में जितनी भी गतियां हैं, जितने प्रकार की गतियां हैं, उन सब का कारक
अग्नि। चाहे हम अपने साधारण भौतिक छोटे स्तर पर देखें या जितने विराट स्तर पर देखें, संपूर्ण गति प्रगति का कारक अग्नि है। अग्नि हमने यहां परमात्मा के लिए कहा है, परमात्मा ही परम अग्नि है, अग्नि सत्ता का मूल स्वरूप है। भौतिक रूप से अग्नि जिसे हम कहते हैं वो एक प्रकार से ऊर्जा है। जितनी आज हम जिस भाषा में एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, वो अग्नि है, वही संपूर्ण गतियों का कारण है। वाहन में सबसे पहले इग्निशन करना पड़ता है तब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। इग्निशन माने अग्नि, अग्निकरण करना, उसके अग्नि को जागृत करना। इग्निशन शब्द इसी अग्नि से ही बन रहा है, क्योंकि हमने बताया कि भारत से यूरोप तक भाषा एक ही है, मूल भाषा वैदिक है, उसके विविध रूप प्रचलित है। तो ये अग्नि तत्व जो है वेद में अग्नि शब्द जहां भी आएगा मूलतः वो परमात्मा के लिए आएगा। तो अग्नि माने भावार्थ के रूप में हम कहेंगे परमात्मा को, शब्दार्थ के रूप में कहेंगे प्रगतिशीलता को, गतिशीलता को, प्रगति को, प्रगतिशीलता को। ये अर्थ हुआ अग्निम शब्द का। ये अग्नि तत्व, ये ऊर्जा हमारे अंदर जब तक है तभी तक हम जीवित जीवंत जागृत हैं, अन्यथा तो ये अग्नि तत्व न हो हम ठंडे पड़ गए, बोले वो ठंडे हो सब कुछ समाप्त हो गया। जब ये अग्नि न हो, ये ऊर्जा न हो, तो सब कुछ समाप्त होता है। ये अग्नि हमारे अंदर होनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग अगर हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं, जागृत हैं, चेतन हैं, जीवंत हैं। अगर ये अग्नि तत्व नहीं होगा तो फिर हम हमारा अस्तित्व कोई माने नहीं रखता। फिर तो ये है कि शर्म अपने ही कंधों पर जनाजा लेके हम निकले, फिर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो अग्नि माने अग्नि को। दूसरा शब्द है ईडे। ईडे माने स्तुति करना। ईड स्तुतो धातु है, ईड धातु का अर्थ है स्थित करना। ईडे माने स्तुति करता हूं, तो मैं अग्नि को स्तुत करता हूं। हिंदी में अग्नि की स्तुति करता हूं ऐसा कहने का प्रचलन है। दो भाषाओं में यह हो जाता है। अग्नि में कह सकते हैं कारक व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं, जब वो व्याकरण से सिद्ध करेगा तो अग्नि में कर्म कारक ही मानेगा, लेकिन वो बोलचाल में अग्नि को स्तुत करता हूं नहीं कहते, अग्नि की स्तुत करते हैं। इसका एक प्रकार से हम व्याकरण का उल्लंघन करते हैं, लेकिन बोलचाल में प्रचलित है इसलिए हिंदी में मान्य है। व्याकरण से होना यही चाहिए, अग्नि को स्तुत करता हूं। जैसे अग्नि को नमन करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, आपका नमन नहीं करते। तो अग्नि को स्तुत करता हूं, किस अग्नि को स्तुत करता हूं, मंत्र में आगे बताया जाएगा वो अग्नि कैसा। पहले उसकी विशेषता बताई गई पुरोहितम। संस्कृत की ये विशेषता है कि ये जो कारक चिन्ह है, विभक्तियां हैं, वो हर शब्द में लगी होती है। अग्नि में जो ये मां लगा है, ये को का चिन्ह है, कर्मकारक का चिन्ह है, ये हर शब्द में आपको मिलेगा। जितने में मां लगे ये मान लीजिए ये उसी अग्नि के विशेषण है, उसकी विशेषताएं बता रही हैं। ईडे अलग था, ये क्रिया है। ईडे माने स्तुत करता हूं, अग्नि को स्तुत करता हूं। वो अग्नि की विशेषताएं क्या हैं, उसके विशेषण कौन कौन से इस मंत्र में आए हैं, देखिए पुरोहितम। वो अग्नि कैसा है, वो पुरोहित है। पुरोहित माने पुरा माने सबसे आगे, पुर धातु भी है, अगर गमने धातु है पुर, और पुरा अव्यय के रूप में भी हम जानते हैं, पुरा माने आगे, पुरस्सर पुरस्सरण, तो पुरा माने आगे। हितम हित, जिसके आगे सबका हित है, जो सबका हित करने वाला है, जो सबका हित सोचता है, सबका हित करता है, वो पुरोहित है, वो अग्नि परमात्मा हमारा पुरोहित है, हम सबका हित करने वाला है। हित शब्द ही गतो वृद्धो धातु से बनता है। ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना, उसमें गति है, प्रगति है, और वृद्धि इसमें और जोड़ेगा।
अग्नि में गति तो थी, वृद्धि नहीं थी। उसने कहा वो पुरोहित भी है, इस गति के साथ कुछ वृद्धि भी होनी चाहिए। वो परमात्मा हमको प्रगति देता है और हमारी वृद्धि भी करता है, इसलिए वो पुरोहित है। और क्या है? यज्ञस, यज्ञस माने यज्ञ का, यजन का, स्या जो है वो का के लिए है, ये सृष्टि यजन का। अब का है तो उसके बाद कुछ होना आवश्यक है, आगे आ गया है देवम, क्योंकि वो अग्नि से देवम को मिलाना होगा। वो क्या है? यज्ञस देवम, वो यजन का देव है। दो शब्द हो गए, यजन और देव। वो यजन का देव है तो के पहले यजन क्या है? यज धातु के तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगत करण, दान। देव पूजा, देव तो आगे आ भी रहा है, समझ लेंगे सीधे सीधे, अगर पहले हम पूजा ही ले लें, पूजा, संगत करण, दान। कोई पूजा देव की ही होगी, अदेव की तो नहीं होगी। जो देव नहीं है उसकी पूजा नहीं होगी, पूजा देव के ही होगी। तो यजन में पूजन, संगत करण और दान। पूजन शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत व्याकरण में पूजन शब्द का अर्थ है पालन पोषण, तुष्टिकरण, किसी को तुष्ट करना, प्रपुष्ट करना, पालन पोषण करना। यह संस्कृत व्याकरण में पूजा शब्द का अर्थ है, पूज धातु है। पूज धातु का अर्थ यही है, किसी की संतुष्टि करना, उसे किसी भी रूप में आप संतुष्ट करें, प्रसन्न करें। तुष्टो प्रीणने धातु है पूज। पूजन का अर्थ है किसी को प्रसन्न करना, उसे संतुष्ट करना। कैसे करना? हम लोग खूब सुनते आए हैं, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, देवताओं का रमण होता है, देवों का निवास होता है जहां नारियों की पूजा होती है। अब पूजा के माने जो समाज में प्रचलित है, पूजा का अर्थ किसी को क्या करो, उसके ऊपर फूल पत्ती पानी दूध, नारी को घर में बैठा लो और उसके ऊपर लाकर सब लोग एक लोटा एक बाल्टी पानी डालना शुरू करो, उसके बाद उस देवी का एक ही रूप दिखाई पड़ेगा, वो है महाकाली का, बाकी कोई रूप नहीं दिखेगा। अर्थात ये पूजन उचित नहीं है। पूजा का ये अर्थ जो हमने मान लिया है, जो समाज ने प्रचलित कर लिया है, वो सही नहीं है। संस्कृत में पूज धातु का जो अर्थ है वो तुष्ट करना, प्रसन्न करना और पालन पोषण करना है। नारी की पूजा का आशय क्या है? कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, भोजन वस्त्र आदि जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उसकी हम पूर्ति करें। आप उसको बैठा करके फूल पत्ती चढ़ाते रहे, साड़ी मांग रही, वो हम दे नहीं रहे, क्या नतीजा निकलेगा? तो पूजन का आशय है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसे संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। जब कोई ऋषि विद्वान अतिथि हमारे यहां आता है तो हम उसका पूजन करते हैं। पूजन का आशय यही है, करी पूजा भूपति सिभाखा, धरे नाम जो मुनि गुण राखा। गुरु का आगमन हुआ है तो हम पहले उसकी पूजा करते हैं। पूजा का आशय यही है कि दूर से थका मादा कोई अतिथि आया है तो उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसे जल दें, भोजन कराएं, पैर धुलवाएं, क्या करें। हम षोडशोपचार पूजन करते हैं, ये प्रतीक पूजन है, परंपरा है। हम कोई भी मूर्ति चित्र रख लेते हैं एक प्रतीक रूप में कि भाई हमारे ये पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, हमारे सम्मानित हैं, उनका एक प्रतिरूप हमने रख लिया और उसका पूजन किया। षोडशोपचार पूजन, 16 प्रकार से पूजन, वो हमको बताता है कि हमें अपने अतिथियों का, सम्मानित जनों का पूजन कैसे करना चाहिए। वो एक प्रतीक कर्मकांड है, उस प्रतीक कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका इतना महत्व जरूर है कि हम उससे ये सीखते हैं कि जिनका हम पूजन करना चाहते हैं, जो हमारे पूज्य वयोवृद्ध सज्जन हैं, विद्वान हैं, जो हमारे वरिष्ठ आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका पूजन हमें कैसे करना है, उनके लिए हमें क्या क्या करना है। षोडशोपचार पूजन में क्या होता है?
जलम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, आचमनम आचमनम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। तो पूजन में हमें जो भी हमारा मान्य पूज्य अतिथि है, जो हमारे लिए देवतुल्य आदरणीय है, उसको हमें ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी करनी है, ये है उसका पूजन। तो जब भी कोई अतिथि आता है, हमारे यहां विद्वान आता है, तो उसका हम इस प्रकार षोडशोपचार पूजन करें, करना चाहिए। लेकिन ये पूजन सदैव जीवित व्यक्ति का होगा, निर्जीव वस्तु का नहीं होगा, मूर्ति का नहीं होगा, चित्र का नहीं होगा, ये जीवित अतिथि का पूजन होगा। कहते हैं जिए न पूछिए बात, मरे करें शराब। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक तो उनसे हमने बात नहीं पूछी, हलचल नहीं लिया, जब मर गए तो उनके श्राद्ध में पूरे गांव को भोजन करा रहे हैं। खुद तो वो भूख से मर गए, अब उनके श्राद्ध में पूरे गांव को खिलाएंगे, ये पूजन नहीं। जिए न पूछा कौरा, मरे उठाए चौरा। इस तरह की मान्यताएं हमारे समाज के तमाम, उसमें भी कुछ अच्छी बातें प्रचलित है, कहते हैं कि नहीं ये परंपराएं ठीक नहीं है, उससे हमें बचना होगा। तो जजन में हमने कहा पहला स्टेप था, जिनके तीन अर्थ थे, देव पूजा संगतकरण और दान। पहला हमने बताया पूजन, तो पूजन की परंपरा हमारे समाज में है, प्रतीक रूप में हमको बताई गई है, ये सब होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन ये जीवित दिव्य अतिथियों का होना चाहिए, जो देवतुल्य सम्मानित सज्जन है उनका होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। दूसरा है संगतिकरण, संगतकरण संगठन, लोगों को एकत्र करना। अगर हम संगति नहीं करेंगे, अकेले अपना जीवन यापन करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। यजन अकेले हो ही नहीं सकता, सिद्धांत ही है, लोग यजन करते हैं, यजन में इस शब्द में ही है देव पूजा संगतिकरण। जब तक आप संगतिकरण नहीं करते, लोगों को एकत्र नहीं करते, तो यजन कोई प्रत्येक कर्म कांड नहीं है, अकेले तो यजन हो ही नहीं सकता, असंभव है। हम अंधविश्वासों में कैसे फंसते हैं, और समाज के एक कार्यक्रम में, और समाज ने तमाम अंधविश्वासों पर प्रहार किए और तमाम अंधविश्वास दूर भी किए, हम उनके आभारी। कहीं मैंने लिखा देखा है, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो दयानंद पितामह हैं, हमें चलो अच्छी बात, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी माना कम से कम, अगर दयानंद पितामह हैं तो कहने में हमें कोई संकोच नहीं, बहुत अच्छी बात है, मान लो। जिनको गांधी का नाम नहीं पच रहा है उनके लिए भी एक अच्छा सूत्र रास्ता निकल सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, दयानंद पितामह है यही सही, वो भी अच्छे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, गांधी से कम नहीं करते, ठीक। तो हुआ क्या, आर समाज का अधिवेशन था, तमाम विद्वान देश भर के से आए थे, संयोग से हम भी उपस्थित थे, मंच पर प्रवचन होता था, उसके बाद अपना लोग सोते थे, और सुबह शाम जो भी चाहे पानी, नाश्ता, खाना, सारे कर्मकांड, जो भी अपना, हर कोई अपने तरीके से जीवन जीता था। एक विद्वान आए हुए थे, उनके झोले में शायद तांबे का बना कितना इतना बड़ा हवन कुंड था, और इतनी पतली पतली लकड़ियां काट के उसमें धरे हुए थे, बाकी सारी सामग्री भी ऐसे ही डिबिया धरी हुई थी। वो अपना सुबह उठते थे, नहा धो के वो अपना वो हवन कुंड इतना सा निकालते थे, उसमें अपना ये जो है हवन कर लेते थे। मैंने कहा भाई जी, तुम्हारे इस हवन कुंड में उनके सालिग्राम की बटिया में क्या अंतर बचा, क्या अंतर रह गया, जिस मूर्त पूजा के विरुद्ध तुम सारी ऊर्जा लगा रहे हो मंच पर। मूर्त पूजा बहुत खराब चीज है, उससे बहुत नुकसान हुआ है, मैंने मान लिया, लेकिन ये बताओ तुम्हारे इस हवन कुंड और उनके सालिग्राम की बटिया में फर्क क्या बचा। वही प्रत्येक पूजा कर्मकांड तुमको सुबह उठकर अपना ये करना ही है, तो तुम्हें उनमें क्या अंतर बचा, मेरे दृष्टि में तो दोनों एक ही जगह पर हो, कोई अंतर नहीं है, केवल मूर्ति के आकार का फर्क है, उनके देवता की शकल दूसरी है, तुम्हारे देवता की शकल दूसरी है, बाकी कर्मकांड तो वही कर रहे हो। तो
हम कह रहे थे संगत का, वो उसी तरह से अपनी पूजा कथित रूप से हवन अकेले अपना कर लेते थे। और समाज था तो सामूहिक हवन तो होता ही था, उसमें बैठेंगे वो हवन करेंगे, लेकिन वो उनका एक अपना रूटीन अभ्यास है तो वो अपना नियमित पूजा अकेले कर ही लेंगे, अकेले यजन कैसे हो सकता है। यजन शब्द में ही संगतिकरण शामिल है, अकेले तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है यजन का संगतिकरण, हम सबको एकत्र करें, सामूहिक रूप से प्रयास करें। बड़े कार्य अकेले नहीं हो सकते, वो सामूहिक रूप से ही हो सकते हैं। और तीसरा है दान। यज्ञ धातु के तीन अर्थ बताए, देव पूजा, संगतकरण और दान। दान माने देना, दा धातु का अर्थ है देना। अगर हम कुछ देंगे नहीं, अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो यजन कैसे होगा। अगर हम किसी का पूजन करेंगे तो उसे कुछ देंगे ना। अगर हम उसे वस्त्रम समर्पयामि, अगर उसे हम वस्त्र दे नहीं रहे हैं तो पूजन हो कैसे रहा है, नहीं हो सकता। तो पंडित जी बता देते हैं कभी कभी, अच्छा भाई ये लाओ सामग्री, ये नहीं है, अच्छा भाई ये नहीं है, अच्छा छोड़ो हटाओ, सर्वाभावे अच्छतान समर्पयामि। आपकी भावना पूजन की है, आपकी भावना देने की है, संयोग से जो सामग्री की हमारी दृष्टि कुछ लाना भूल गया है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भावना तो है ना, सर्वाभावे अच्छतान समर्पयामि। जो नहीं है उसके अभाव में हमने अच्छत समर्पित कर दिए, चार दाने चावल के समर्पित कर दिए, कम से कम देने का भाव तो दिखाया कि हम कुछ देना चाहते हैं, भले ही जो कहा गया था वो नहीं है लेकिन हमने कुछ दिया है। अगर देंगे नहीं तो यजन होगा कैसे, समाज का कोई भी बड़ा कार्य, कोई सार्वजनिक कार्य होगा कैसे। अगर हम पुरोहित होना चाहते हैं, वेद की भाषा में वो समझते जाए, हर मंत्र में ये चीज होगा, हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। स्तुति का अर्थ होता है गुण वर्णन करना, जो गुण उसमें है उसका वर्णन करना। तो हम परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं, उसके गुणों का स्मरण चिंतन करते हैं, इसका भाव ये होता है कि उन गुणों को हमें अपने में उतारना है, अपने में धारण करना है, यही स्तुति है, यही गुण वर्णन है। अगर हम उसका गुणगान करते रहे, उसे अपनाया नहीं, तो इस भजन से कुछ नहीं होगा। तो ये सदा ध्यान रखें, इसका वो पुरोहित है, इसका अर्थ हम कहना चाहते हैं, अगर उस परमात्मा की स्तुति करना चाहते हैं जो पुरोहित है, तो हमें भी पुरोहित बनना होगा। अगर हम यजन करते हैं तो यजन भावना को समझना होगा, उस यजन को अपने जीवन में उतारना होगा। उसके लिए हमें जो सुयोग्य लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो दिव्य जन हैं, देवजन हैं, उनका पूजन सत्कार सम्मान करना होगा, संगतिकरण करना होगा, और उसके लिए अपनी आय का एक अंश निकालना होगा। एक प्रतिशत निकालें, हमारे यहाँ 10% की बात कही गई, चतुर्थांश की बात कही गई, कम से कम अपने आय व्यय जो भी हमारे माध्यम से खर्च हो रहा है, जो हम अपनी इच्छा से खर्च करते हैं, कम से कम 1% ही निकाल दें, 10% नहीं कर सकते। यही इस्लाम कहता है 2.5% जकात निकलता है, 40वां हिस्सा आपकी कमाई का, 2.5% 40वां हिस्सा जकात ये आपको देना ही है। वह सबकी मान्यता हो सकती है, उन्होंने 40वां हिस्सा कहा, कोई 10वां कहता है, दशांश कहता है, बहुत सी संस्थाएं दशांश का सिद्धांत चला रही हैं, कहीं क्या चलो भाई नहीं इतना कर सकते हो, इतनी अधिक आय भी नहीं है मान लीजिए किसी की, तो 1% तो करो। अगर हम 100 रुपए कहीं से कमाते हैं तो 1 रुपया देने में तो कष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत आय नहीं है हमारी, ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा दे सकते हैं। तो अपनी आय का एक अंश, अपने समय, अपने साधन, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का एक अंश, 1% ही सही, इस पवित्र कार्य में हमको लगाना होगा। यजस ये है यजन, इस यजन का देव है वो परमात्मा, यजस देवम, इस यजन का वो देव है। देव माने, देव का अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना, दिव धातु है, उसके अनेक अर्थ हैं, दिव धातु बहुत व्यापक है, उसके बहुत अर्थ हैं, मुख्य अर्थ यही मान लीजिए, चमकना, प्रकाशित होना, प्रकाशित करना, कुछ विशेषता होना, दिव्य गुण होना, कुछ अमानवीय पराक्रम होना। जो जन सामान्य करता है वो तो करता ही है,
वो कुछ ऐसा करे जो जन सामान्य नहीं कर पाता, आम आदमी नहीं कर पाता। जो सब लोग करते हैं वो तो सामान्य जन है, जो उन सामान्य जन से हटकर कुछ बड़ा करता है वो देव जन है। तो देव का अर्थ है उसमें कुछ दिव्यता हो, कुछ विशेष प्रकाश हो, कुछ विशेष क्षमता हो, उसका कुछ कार्य समाज के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ और लोगों से हटकर हो, कुछ बड़ा हो, एक्सीलेंस हो जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में, अंग्रेजी में, तो कुछ एक्सीलेंस है उसमें, कुछ खास गुण है जो आम लोगों में नहीं है, कुछ विशेष प्रतिभा है, कुछ विशेष क्षमता है, कुछ विशेष कार्य है जो समाज के लिए करता है। मुझे बताता है कि हमें भी अपने अंदर ऐसा कुछ देवत्व जगाना चाहेंगे, कोई ऐसा गुण अपने अंदर हम विकसित करें, कम से कम एक गुण विकसित करें जो लगे एक आम आदमी से हट करके है, ये गुण, ये स्वभाव, ये कर्म, ये क्षमता हमारे अंदर है जो और लोगों से थोड़ा सा हटकर है, नम्रता से हमसे कह सके चलो भाई एक कार्य तो हम कर लेते हैं, सामान्य कार्य तो सभी कर रहे हैं, तो एक दिव्य गुण हम अपने अंदर विकसित करें। अगर मनुष्यों में इस देवत्व का उदय हुआ, देवत्व का जागरण हुआ, जनों में देवत्व जगेगा तो पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होगा। वरना बोले जब से ये बहू घर में आई है मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है और बाकी घर वालों को स्वर्गवासी। तो जब घर हो स्वर्ग हो जाएगा तो सब स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो है ना। तो ऐसा ये है कि जब हमारे अंदर देवत्व का उदय होगा तो जो देवों का समाज बनेगा तो वो स्वर्ग का मतलब है सुखमय होना। स्वर्ग का शब्द, स्वर्ग शब्द का अर्थ यही है, बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं। स्वर्ग माने सुखपूर्वक समाज, सुखपूर्ण समाज है, सुखमय समाज है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। जब मनुष्य में देवत्व का उदय होगा तो पृथ्वी पर हमारे समाज में स्वर्ग का अवतरण होगा। राम कहते हैं संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सभी महापुरुषों ने कहा है हम स्वर्ग से नहीं उतरे हैं, हम स्वर्ग का कोई संदेश लेकर यहां नहीं आए हैं, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उनका संदेश यही है कि पृथ्वी को, इस समाज को हम स्वर्ग बनाएं, वो तभी संभव है जब अपने अंदर हम देवत्व को जगाने। उसके बाद है ऋत्विजन, वो क्या है, वो यजन का देव है और ऋत्विज है। ऋत्विज क्या है, रिगतो धातु है, ऋत है जो सृष्टि के सार्वभौम नियम है, वो ऋत है। वेद में ऋत बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इनको समझना चाहिए। कहते हैं ऋत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, प्रकृति में ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है, हमें अपने जीवन में भी ऋत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऋत माने प्रकृति के सार्वभौम नियम, गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन नहीं हो सकता, यह प्रकृति का नियम है। अग्नि के तेज का उल्लंघन नहीं हो सकता, अग्नि को छुएंगे तो जलेंगे ही, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। जो भी नियम है, अगर अग्नि में वो ताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, तो वो अग्नि नहीं होगा, उसे अग्नि नहीं कहेंगे। अगर हिम है, बर्फ है, उसमें शीतलता न हो, वो उष्ण हो जाए, गर्म हो जाए, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब उसे हम हिम बर्फ कहेंगे ही नहीं, तो बदल जाए। तो जो प्रकृति के नियम हैं, गति का नियम है, गति हमेशा उच्च से निम्न की ओर होती है, ऊर्जा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, घनत्व का प्रसार उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर होता है, यह स्वाभाविक नियम है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तो जो प्रकृति के प्राकृतिक सार्वभौम नियम है, जो सदा सर्वकाल में सत्य थे, वो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भी इतने ही सत्य थे, आज भी इतने ही सत्य हैं, कल भी इतने ही सत्य रहेंगे, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई कहे कि नहीं साहब फलाने समय में त्रेता युग में लोग ऐसा कर लेते थे, आज नहीं कर सकते, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृतिक जो प्रकृति के नियम है, ये ऋत है, ये कभी बदलता नहीं है, ये सर्वकाल सत्य है,
तो परमात्मा ऋत्विज है, इस ऋत को उत्पन्न करने वाला है। वो परमात्मा स्वयं इस ऋत को, इस प्राकृतिक नियमों को, इस सार्वभौम व्यवस्था को बनाने वाला है, इसको उत्पन्न करने वाला है। हम कम से कम उस नियमों का पालन तो कर ही सकते हैं, उसे हम बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते, उन नियमों का पालन कर सकते हैं, उन नियमों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उसको हम जान लें और समझ लें तो उससे हम अपने लिए उपयोगी तमाम नए नए वस्तुएं बना सकते हैं। विज्ञान के आविष्कार इसी पर आधारित है, ऋत के नियमों को समझना और उसके आधार पर नए उपकरण बनाना। अगर ऋत के नियम को ही नहीं समझेंगे तो नहीं बना। पहले इस नियम को समझा जाता है, प्रकृति के किसी नियम को, किसी सत्य को जाना जाता है, उसके बाद ये व्यवस्था बनती है। उस नियमों के आधार पर हम कोई नई वस्तु बनाते हैं। तो हमने एक नियम का पता लगाया कि द्रव्य और ऊर्जा को परस्पर बदला जा सकता है। बदलकर ऊर्जा में तुम द्रव्य करोगे खंडित यह भूखंड। ऊर्जा को, द्रव्य को ऊर्जा में बदलने का सिद्धांत पहले पता चला, तब प्रयास हुआ ये हो कैसे। वो करने के प्रयास में हमने एटम बम बना डाला, दिशा भटक गई, लेकिन नियम को समझा तो उससे कुछ बड़ा बना पाए। तो लोगों का अगर लगा कि नहीं भाई, नियम तो ठीक था, उसका उपयोग करना चाहिए, मगर ये दिशा भटक गई, चलो बिजली घर बनाते हैं। उसी ऊर्जा से, उसी नियम से, पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के उसी नियम से बिजली घर भी बने, उससे हमारे यान भी चले, उसका हमने सदुपयोग भी किया। तो सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, पहले उस प्रकृति के सार्वभौम नियमों को हमें जानना होगा। तो हो गया यज्ञस्य देवम ऋत्विजम आये होतारम रत्नधारणम। और वो अग्नि परमात्मा कैसा है, वो होता, होतारम माने होता को, कर्तारम माने कर्ता को, पितरम माने पिता को, होतारम माने होता। वो परमात्मा होता, होता माने हु दाने दानयो चा, हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। हु दाने दाना दानयो चा, एक तो है दान करना, तो छोटा सीधा अर्थ है होता माने दान करने वाला, कर्ता माने करने वाला, भरता माने भरण करने वाला, तो होता माने दान करने वाला। लेकिन बात सिर्फ दान करने की ही नहीं, अगर हम केवल देते ही चले जाए तो ये भी एक तरह की गैर जिम्मेदारी। भाई हमें क्या था, भाई उसने कहा हमने दे दिया, नहीं, हमें उस पर आगे भी विचार करना है कि जो हम दे रहे हैं उसका क्या। दाना दानयो चा, दाना दानयो का मतलब दान और आदान, देना और आदान ग्रहण करना लेना, ये महत्वपूर्ण है। कु धातु है दाना दानयो चा, देना और लेना, दान करना और आदान करना, अर्थात आदान प्रदान करना। जो होता का मुख्य भाव है वो है आदान प्रदान करना, भी जान ले, इसी हु धातु से हवन बनता है। हो सकता है कुछ कर्मकांडे पढ़ देता थे होता माने हवन करने वाला, बिल्कुल सही है, शब्दशा मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, होता माने हवन करने वाला, तो हवन माने दान, हु माने दाने दाना दाने ऊंचा, तो हवन माने क्या हुआ, दान करना और आदान प्रदान करना। तो होता माने हवन करने वाला, अर्थात दान करने वाला और आदान प्रदान करने वाला। तो हवन में आदान प्रदान करने का था, भाई किसी को तो देना पड़ेगा, भाई कोई बहुत ज्यादा उसमें सक्रिय नहीं भागीदारी कर पा रहा, भाई व्यस्ता, ठीक है लो भाई हमने ये तो दान कर दिया, अब आगे आप लोग देख लेना कैसे क्या होना है। लेकिन जब सामूहिक रूप से हम यजन हवन करने बैठेंगे तो जो भी सामग्री आ गई है, जिसको जो देना है उसने दे दिया, दान हो गया, उसके बाद उसका आदान प्रदान होना है, इसका भाव क्या होगा, आप अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए। जो भी हमारे संसाधन हैं, हमने कहा आय का 1% ही दीजिए, जो हम दे सकते हैं वो हमने वहां दे दिया, रख दिया, लो भाई हमारी ओर से ये।
एक हमने वहां व्यवस्था बनाई और जो लोग भी आए जिससे जो बन पड़ा उन्होंने वहां रख दिया, लो भाई हमने इस पवित्र कार्य के लिए ये महान उद्देश्य के लिए अपनी ओर से ये दे दिया, अब आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। आदान प्रदान हो गया, दान कर दिया प्रदान कर दिया, तो अब आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए या जिसको जैसी आवश्यकता है उसको दे दीजिए। अब उन्हीं में से कोई आया भाई, उसके पास संभव हुआ उसने एक रुपया दे दिया, एक पैसा दे दिया, दे दिया, लेकिन वो भी उसमें आ गया भाई हमसे एक पैसा संभव था, हमने एक पैसा दे दिया, जिसके पास बहुत था उसने बहुत दे दिया, एक एकत्र हो गया साधन हमारे पास। अब हुआ कि भाई इसको क्या करना है ना भाई, इसने एक पैसा दिया तो है लेकिन इसके बच्चे की पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसकी आवश्यकता के लिए उससे दे दीजिए, उसको प्रदान कर दीजिए। उसने दिया तो एक पैसा है लेकिन उसने उसको हमने एक बड़ा साधन प्रदान कर दिया उसकी आवश्यकता के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए कापी किताब पुस्तकें बस्ता जो चाहिए था उसे दे दिया। तो ये आदान प्रदान का क्रम चलता रहा, जो दे सकता है दे दे और जिसकी आवश्यकता है उसको प्रदान कर दिया। किसको क्या देना है इसका निर्णय कौन करेगा? जिसने दिया है। ये बिल्कुल सही है, जो देने वाले हैं वही मिलकर तय करेंगे ये हमें किसे प्रदान करना है, ये स्वाभाविक है। वो हम में से भी कोई हो सकता है जिसने एक पैसा दिया है, हो सकता है उसे हम 100 रुपए दे दें वहीं, भाई उसने अपनी क्षमता पर एक पैसा दे तो दिया लेकिन वास्तव में उसको तो लेने की आवश्यकता थी, लीजिए साहब हम आपको जो आवश्यकता है हम दे देते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने उसमें से अधिकतम दे दिया। ये हो गया आदान प्रदान करना, तो हवन माने आदान प्रदान करना, जिसे भज धातु से भजन बन गया, पट धातु से पठन बन गया, लेखन हो गया, मनन हो गया, चिंतन हो गया, तो हु धातु से हवन हो गया। हवन माने देना और आदान प्रदान करना, हवन माने जलाना नहीं होता, किसी व्याकरण में नहीं लिखा है कि हवन के माने जलाना होता है या यजन के माने जलाना होता है, आग लगाना और आग में घी डालना हम लोग समाज में अच्छा काम नहीं मानते है ना, आग लगाना और आग में घी डालना हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, अगर कोई इसे अच्छा कहता है तो हम उसे अच्छा नहीं मानते। तो ये हमने देखा यजन और हवन दोनों शब्द हमने यहां समझ लिए। अब इस मंत्र का अंतिम शब्द है, महत्वपूर्ण है, इसे देखते हैं, शब्द है रत्न धातम, रत्न और धातम इसमें दो शब्द है समास है। रत्न को धारण करने वाला, धा धातु का अर्थ है धारण करना, धात हो गया धारण किए हुए, उसके बाद एक डिग्री और लगा दिए तमम, तर और तम, उच्च उच्चतर उच्चतम, वो रत्न धातु तो है, रत्नों को धारण करने वाला है, उसमें भी तम लगा दिया है क्योंकि वो परमात्मा, हम लोग रत्नधा हो सकते हैं, आप हमारी तुलना में तर हो सकते हैं लेकिन वो तो अन्यतम है, वो उच्चतम है, वो श्रेष्ठतम है, वो परमात्मा है, वो रत्नों को धारण करने वालों में भी श्रेष्ठतम है। रत्न क्या है? रत्न को सामान्यता रम धातु से ही लोग बना लेते हैं, इसके लिए अलग से धातु सामान्यता लोगों ने नहीं मानी है। रम माने रमण करना, रमना, प्रिय होना, प्रिय होना। रत्न क्या है? जिसमें हमारा मन रम जाता है कि यार ये कोहिनूर बहुत बढ़िया है, ये हमें चाहिए, वो रत्न है। रत्न वो है जो हमें बहुत प्रिय होता है, जो हमें बहुत मूल्यवान, बहुत उपयोगी लगता है, जिस पर हमारा मन लग जाता है, किसी भी कीमत पर चाहिए, अब उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है, वो जिस भाव मिलेगा, बहुत महंगा होता है रत्न, रत्न बहुत महंगे होते हैं फिर भी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो रत्न है, वो इतना प्रिय है, इतना उपयोगी है कि हमारा मन पूरी तरह उसमें रम जाता है, उसे हम पाना चाहते हैं, वो रत्न है, उस रत्न को धारण करने वाला परमात्मा है। इस पर समझे, रत्न का मतलब अगर हीरे मोती मूंगा माणिक होता, रूबी होता, क्या यहां पर यह अर्थ ले सकते हैं?
नहीं ले सकते हैं। हमने परमात्मा के जिन गुणों का वर्णन किया उसका मूल नाम अग्नि इसमें आया। वेद में अगर अधिकतम मंत्र गायत्री छंद में है तो परमात्मा का सबसे ज्यादा नाम अग्नि ही आया है। वो अग्रणी है, प्रगति है, ऊर्जा है, तो अग्नि है। और उसके जितने गुणों का हमने वर्णन किया, परमात्मा के जिस स्वरूप को इस मंत्र में हमने समझने का प्रयास किया, जरा देखें वो किन रत्नों को धारण करेगा। क्या उसे इन पत्थरों की जरूरत है? क्या वो इन पत्थरों को धारण करेगा? नहीं, उसके लिए इन पत्थरों का कोई मूल्य नहीं है। ईश्वर को ये पत्थर अर्पित करने की जरूरत नहीं है। किसी ईश्वर के को जाकर के मंदिर में हीरा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की है? वो हमारे समाज के नर रत्नों को धारण करता है। वो रत्न हमें बनना है, तब वो हमें धारण करेगा। हम चाहते हैं परमात्मा हमें अपना ले, हमें धारण कर ले, तो हमें वो रत्न बनना है जो नर रत्न है, जो नरों में रत्न स्वरूप है, परमात्मा उनको धारण करता है। आइए इसका समापन करते हैं, एक छोटी सी बात बताते हैं। कहते हैं कोई संत थे, उनके पास कोई फरिश्ता आया, नाम नहीं ले रहा हूं, शायद गलत ना हो जाए, ये भी कह लें या कोई फरिश्ता आया, उसके पास कोई लिस्ट भी सूची थी। बोले इसमें उनके नाम हैं जो ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं, जो ईश्वर को बहुत याद करते हैं, उसके नाम हैं। दिखाया, उसमें हमारा नाम नहीं, उसका नाम नहीं था। थोड़ा उसे निराशा हुई कि भाई प्रयास तो हम भी करते हैं, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने मुझे इस योग नहीं पाया, कोई बात नहीं। उसको देखा और उस फरिश्ते ने कहा, मेरे पास एक दूसरी लिस्ट भी है, ये क्या है? बोले ये लिस्ट, ये सूची उन लोगों की है जिन्हें वो ईश्वर सबसे ज्यादा याद करता है। देखा, उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर था। वो नर रत्न है, इसलिए हमने कहा ईश्वर रत्नधा है। जो ईश्वर को याद करते हैं उसको परवाह नहीं है कौन मुझे याद करता है, उसको क्या जरूरत है? आप बिंदास उसका नाम जपो या ना जपो, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप बिंदास पूजा पाठ करते रहो, आप खूब मंदिर में घंटी बजाते रहो, भैया इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमको पड़ता है, हम ऐसा कुछ करें कि हम उसके लिए रत्न बन जाए, वो हमें धारण कर ले। एक चीज हमने और सुनी है, बस यहां से मैं इसका समापन करूंगा। कहते हैं नारद जी एक बार विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले भाई इस भूमंडल में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु जी मुस्कुराए, बोले हाँ एक किसान है। बोले किसान है, जरा पता बताओ, मैं मिलके आऊं। दिवा रात्र जपते हैं जिस मुनि लोग, और भगवान को ये किसान ही याद आया? फोन कर जाओ एक बार, उससे मिलके आओ, पता चलेगा। कृष्ण केवल यमुना पार करके मथुरा पहुंच गए, यहां लोग बेहाल थे, कृष्ण भी वहां बेहाल थे। उन्होंने समझाया, अपना ज्ञान बघारा कि भाई, अरे भाई आप तो इतने महान हैं, इतने विचारवान हैं, आप कहां इन लोगों के चक्कर में आंसू बहाते रहते हैं? छूट गया, यहां जो लोग हैं उनके साथ मस्त रहो। कृष्ण ने कहा, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, तुम एक काम करो, आओ धार एक बार गोकुल घरी की धूर, आओ धार एक बार गोकुल गली की धूर, फिर सब तिहारी प्रतीत कर लए हम। सिर सो करे जो सो मन सो और आंखिन सो, उधो तिहारी सीख भीख कर लए हैं हम। जा एक बार तुम हाथ टहल के तो आ जा, फिर आके ये उपदेश दोहरा देना, मैं तेरी बात मान लूंगा। एक बार वहां टहल के आ जाओ, फिर अगर दोबारा तुमने ये सब दोहरा भी दिए तो मैं तेरी बात मान लूंगा। जब वहां से लौट करके आए तो बोले तो ही ठीक था, मेरा वो सारा उपदेश गलत था। तो भगवान को वो सज्जन किसान ही याद आया। नारद ने पता पूछा और पहुंचे उसके पास, यार इसमें ऐसा कौन सा जादू है? गए भाई, 24 घंटे उसको वाच किया, देखा, निरीक्षण किया, उसका करता क्या है। सोकर उठा, संभलते हुए एक बार भगवान का नाम लिया, उल्ला मंजन किया, पानी पिया, फल उठाया, चल दिया, खेत जोता, दोपहर में भोजन आया, उसने एक बार भगवान का नाम लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, थोड़ा विश्राम किया, फिर उनका हल बैल शुरू हो गया। शाम को घर आया,
रात का भोजन आया, उसने एक बार भगवान का नाम लिया, भोजन किया और सो गया। नारद जी चकरा गए, इतने सारे ऋषिमुनि इतनी तपस्या करते हैं और भगवान को ये ध्यान आया, वो वापस लौटे, बोले महाराज ये समझ में नहीं आया। बोले ठीक है, ये तो ये समझा देता हूँ, एक छोटा सा काम कर दे मेरा, उसके बाद तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले बताइए। उन्होंने एक कटोरी में तेल भर के दे दिया, बोले जा इस कटोरी में भरे हुए तेल को लेकर के तू एक बार थोड़ा चक्कर लगा के तो आ, ध्यान रहे एक बूंद भी तेल की गिरे नहीं। तेल पूरी तरह भर के कटोरी दे दी, बोले चक्कर लगा के आओ और इतना ध्यान रखना कि तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। नाराज जी गए, चक्कर लगाकर लौटे, बोले महाराज ये रही आपकी कटोरी, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले तू पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, कितनी देर तेने चक्कर लगाया, मेरा नाम कितने बार याद आया। बोले एक बार भी नहीं, काम तो तुम्हारा ही था, उसी में मन लगा था, नाम तो मैं तेरा नाम क्या लेता, ध्यान क्या करता। बोले नारद जी उस किसान को भी जो वो करता है वो मेरा ही दिया हुआ कार्य है, जो किसान वो कार्य कर रहा है वो कार्य भी मैंने ही उसे सौंपा है, वो अपना कर्तव्य कर्म करता है और कभी कभी मेरा नाम भी लेता है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है, इसीलिए वो नररत्न है, वो मानव मानवों में रत्न है, इसीलिए उस मानव रत्न को मैं याद करता हूँ, उस मानव रत्न को मैं धारण करता हूँ। वो हमारे लिए पूज्य है, हम तुम्हारे लिए पूज्य हो सकते हैं, लेकिन वो किसान मेरे लिए पूज्य है। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर को याद रखो, कर्म पर विश्वास रखो, ये हमारा मूल मंत्र मूल सूत्र है। आज यहाँ से हम इस मंत्र को पूर्ण करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।